हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नो राजस्थान को एंड दबाए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान के अंदर। तो आज फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है या आपके किसी फ्रेंड्स या आपके भाई बहन ने नर्सिंग कर रखी है, उन सभी के लिए ये न्यूज़ है। तो ये नर्सिंग के अंदर वैकेंसी निकाली है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने। तो उसके अंदर जो 4,500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है नर्सिंग, जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है BSc नर्सिंग एंड जो GNM डिप्लोमा कर रखा है उन सभी के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं प्रूफ एंड डिटेल्स के साथ। तो फ्रेंड हम जो राजस्थान की ये ऑफिशियल वेबसाइट है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वेबसाइट है rajswasthya.nic.in। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आई है नर्सिंग कर्मचारियों के लिए। तो फ्रेंड आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको ये अपडेट्स आ रहे होंगे, लेटेस्ट अपडेट्स। तो आप देख सकते हैं ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके नीचे आपको मिल जाएगा नर्स श्रेणी द्वितीय के अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के नियमित भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक 18। तो ये एक वैकेंसी है। तो इसके अंदर है जो पदों की संख्या है 459। तो ये जो TSP क्षेत्र होता है अनुसूचित क्षेत्र उसके लिए है, एंड जो नॉन TSP क्षेत्र के लिए ये सेकंड वाली वैकेंसी है। तो हम इसको ऊपर क्लिक करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिटेल्स है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये PDF फाइल खुल जाएगी राजस्थान सरकार की। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी खुल जाती है हमारे पास आज ही की दिनांक है। तो ये कल ही अपडेट कर दिया गया था लेकिन दिनांक आज की है। तो ये है वैकेंसी, देख सकते हैं आप। तो इसमें है नर्स श्रेणी द्वितीय ग्रेड के सेकेंड ग्रेड के अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञप्ति 2018। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो नर्स सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है इसमें जो टोटल पद हैं 4,155 हैं, जिसमें नॉन TSP के 4,142 एंड जो साथ ही में बैकलॉग के पद भी शामिल कर रखे हैं, जो पिछली बार पद खाली रह गए थे 13 उनको भी शामिल किया गया है। एंड जो रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसके फॉर्म है 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो आप इमित की वेबसाइट है जो SSO ID है जो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो SSO ID की प्रोसेस आप सभी को पता ही है, जो राजस्थान सरकार हर गवर्नमेंट वैकेंसी के फॉर्म उसी से ले रही है। तो इसके थ्रू आप 12 तारीख से अप्लाई कर सकते हो, जो 12 मई तक टाइम रहेगा उसका। ठीक है दोस्तों, तो 12 अप्रैल से 12 मई तक। एंड जिसमें टोटल जो अनारक्षित है, तो जिसमें नो रिजर्व की संख्या है, जनरल भी मान सकते आप, तो इसमें टोटल पद है जनरल के लिए 2077, इसमें सभी आएंगे जनरल SC ST OBC सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो SC कैटेगरीज है उनके लिए 655 एंड ST के लिए 491 एंड जो 12 जिले के हैं 31 एंड जो OBC है उसके लिए 861 पोस्ट है। एंड जो ये महिला पुरुष का भी डिवाइडेशन दे रखा है, तो आप जो देख सकते हैं जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो गुर्जर समाज को भी आरक्षण दिया था MBC का, उसकी 40 पोस्ट है जिसमें बांट रखा है, जो 50-50 पोस्ट डिवाइड कर रखी है महिला पुरुष के अंदर। एंड जो इसमें बैकलॉग के पद हैं टोटल 31 पद है बैकलॉग में 12 जिला के 18+13। ठीक है दोस्तों, एंड इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था दे रखी है 37 की। ठीक है, एंड जो आवेदन करने की प्रक्रिया है आप ईमित्र की साइट से भी कर सकते हैं या फिर SSO ID से भी कर सकते हैं। तो ईमित्र की ज़रूरत नहीं है दोस्त, आप खुद कर सकते हैं ईमित्र पे। एंड जो इसमें फ़ोटोग्राफ का दे रखा है कि 4.5 cm × 3 cm के समथिंग होना चाहिए फ़ोटो, एंड अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सेम का हस्ताक्षर, शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज, आवेदन करते समय स्कैन। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है डिग्री से संबंधित अन्य डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट्स, तो उनको स्कैन करके जो आपको अपलोड करना पड़ेगा जो वेबसाइट है उसके ऊपर। एंड ये आवेदन ID और कुछ नियम लिखे हुए हैं तो ये आप देख लीजिएगा। एंड जो उसके बाद आता है आवेदन शुल्क पे, तो इसमें जो जनरल कैटेगरीज है एंड जो OBC के लिए 500 रुपये, ठीक है, OBC के लिए 500 रुपये, एंड जो MBC है एंड जो अन्य पिछड़ा वर्ग ये भी OBC के अंदर है, जनरल के लिए 500, MBC और OBC के लिए 300, एंड जो SC ST है उनके लिए भी 300 ही है। एंड जो ये विधवा एंड जो तलाकशुदा एंड जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये है। तो ये परीक्षा शुल्क है।
एंड जो आरक्षण विज्ञप्ति पदों और नियमानुसार देय होगा, ठीक है दोस्तों। एंड और नीचे चल के देखते हैं हम उससे संबंधित क्या डिटेल्स हैं। एंड जो स्पोर्ट्स वाला है एंड जो उत्कर्ष खिलाड़ी, उनके लिए भी अलग से इसमें जो रिजर्वेशन दे रहेगा। एंड जिसमें आती है सैलरी वेतनमान है, तो इसमें सैलरी रहेगी आपकी लेवल सेकंड, तो पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड के अनुसार 26,500 रहेगा। प्रोफेशनल देय तक ये पारिश्रमिक रहेगा 2 साल तक के लिए, एंड उसके बाद जो ये बढ़ सकता है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। एंड जो शैक्षणिक योग्यता पाते हैं हम, तो आप देख सकते हैं नर्स ग्रैंड सेकंड की पोस्ट है। एंड जो शैक्षणिक योग्यता है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, जो इसमें आपके पास व्यावसायिक योग्यता है उसमें GNM कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाय राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास या तो GNM का कोर्स होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग के अंदर। एंड जो BSc नर्सिंग कर रखी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आपका डिप्लोमा या डिग्री है वो जो रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग की तरफ से, ठीक है। एंड जो अगर आपका जो रजिस्टर नहीं है तो आप 12 मई से पहले रजिस्टर करवा लें, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एंड जो इसकी आयु है, न्यूनतम आयु है इसकी 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष हो जानी चाहिए। एंड जो बाकी अदर कैटेगरीज हैं उनको छूट दे रखी है, जैसा आपको पता है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, उसी प्रकार ये छूट का प्रावधान है। तो ये टोटल, एंड जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको बोनस अंक भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं जिनको बोनस अंक भी दे रखा है, तो ये जिन्होंने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे उन सभी के लिए वैकेंसी। एंड अगर आपने अनुभव का लगाते तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी है। एंड जो अन्य योग्यता है स्वास्थ्य चरित्र, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैकेंसी आई है नर्सिंग कर्मचारियों के लिए। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी थी बस, तो आपको देनी थी। तो शायद फ्रेंड्स ये हमारा चैनल है जो सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस वैकेंसी की आ जाई है, जो नर्सिंग कर्मचारी नर्सिंग के अंदर कोर्स कर रखा है उन सभी के लिए। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी थी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो या आपका दोस्त या कोई फ्रेंड या भाई बहन जो भी इसके लिए एलिजिबल हो प्लीज़ उनको बता दीजिएगा, ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो ये वैकेंसी है नर्सिंग वालों के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कोई भी जवाब या सवाल हो तो कमेंट कर देना। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान।